हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और ब्यूटी, एज वी ऑल नो, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों जितने भी लेखक हैं, पोएट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, ये सभी लोग अपने चाहने वालों की ब्यूटी को समुंदर, चांद, तारे और सूरज जैसी चीजों से कंपेयर करते हैं? सो क्या आप भी इन सभी चीजों में एक कॉमन थ्रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस, इट इज नेचर। एंड द बेस्ट पार्ट इस पर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट की भी एकदम सेम ही राय। लाइक उनके नजरों में भी जो साइंटिफिक थियरी एक ठोस सबूत के साथ नेचर की रियलिटी को precisely explain कर सकती है, वही दुनिया की सबसे खूबसूरत थियरी मानी जाती है। And now, by this logic, आज की तारीख में ऐसी सिर्फ एक ही थियरी है जो सिंपल फोर्स से लेकर आंखों को दिखाई भी ना दे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के इंटरैक्शंस को तक एक्सप्लेन करती है, और वो थियरी है द क्वांटम फील्ड थियरी। पर जरा एक सेकेंड इसे देखो। अगर आप QFT को गूगल करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि QFT असल में क्लासिकल फिजिक्स, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। यानी अब सवाल ये उठता है कि अगर QFT इन तीनों थियरीज का एक मिश्रण है, एक एमालगेमेशन है, तो फिर सिर्फ इसे ही द मोस्ट ब्यूटिफुल थियरी का टाइटल क्यों और कैसे मिला? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो वही बात हो गई ना कि मेहनत करे पापा और इनाम ले जाए बेटा। तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है ना कि 17th सेंचुरी में सीपी के पास हर एक सवाल का जवाब हुआ करता था। एग्जांपल के लिए न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन को ही देख लो, वो किसी जादू से कम नहीं थे। उस वक्त इन लॉज को इस्तेमाल करके इमारतों से सिर्फ एक कंकड़ फेंक कर लोग इमारतों की पूरी हाइट नाप लिया करते। तोप से फेंके हुए गोले कितनी देर बाद कहां और कब गिरेंगे इसे भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते थे। कमाल की बात तो यह है कि इन लॉज ने हमारे सोलर सिस्टम के एक अदृश्य प्लैनेट को भी खोज निकाला था। एक्चुअली जब न्यूटन के लॉस के मैथमेटिक्स को एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ला वेरियर ने यूरेनस पर लगाया उसके रेवोल्यूशन पर, तब उन्हें ये इस चीज का एहसास हो गया कि यूरेनस पर किसी और दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या था, इस बेसिस पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक बड़ा सा प्लैनेट होगा जो कि आगे जाके डिस्कवर हुआ और उसका नाम रखा गया नेपट्यून। और ये तो हमने अब तक जो भी बात किया वो हमने सीपी के बस सिर्फ एक ब्रांच की बात की जो कि मोशन को स्टडी करता है। एंड बाय सीपी ओवर हियर आई मीन क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन सीपी का एक और एक ब्रांच है जो हीट को स्टडी करता है, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। दूसरी तरफ लाइट से रिलेटेड फंडे को ऑप्टिक्स ब्रांच एक्सप्लेन करता है, और एको को साउंड इंजीनियरिंग ब्रांच। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, बिना किसी आज के आधुनिक इक्विपमेंट के इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और कैसे बिहेव करता है, इनका भी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स के पास था। यानी कि अगर देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स के पास नेचर के हर एक सवाल का जवाब था, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से 17th सेंचुरी में क्लासिकल फिजिक्स को द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी के ताज से नवाजा गया। हालांकि 19th सेंचुरी में दिए उसके एक गलत एक्सप्लेनेशन ने उससे ये ताज पलक झपकाते ही खींच लिया। ये एक्सप्लेनेशन कौन सा था बताओ मुझे, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो वेल, क्लासिकल फिजिक्स का ना ये कहना था कि जब भी हम कोई लाइट बल्ब ऑन करते हैं तब उसमें से इनफिनिट अमाउंट ऑफ यूवी रेज निकलते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल लगेगा, क्योंकि हम सभी को पता है अगर इनफिनिट अमाउंट ऑफ यूवी रेज निकलेंगे तो इसका मतलब उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से हम अभी तक सब मर गए होते। यानी कि बेसिकली इसके बस दो ही कंक्लूजन्स हो सकते थे, या तो क्लासिकल फिजिक्स का बल्ब हम जितना सोच रहे हैं उतना जलता नहीं था, या फिर ये कुछ ऐसा जानता था जिसे शायद हम हल्के में ले रहे हैं। बिकॉज यू सी, क्लासिकल फिजिक्स को द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी का टाइटल सिर्फ मिला ही इसीलिए था क्योंकि वो रियलिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता था। बट देन इसके चलते कईयों को अपने अलग एक्सप्लेनेशंस आगे रखने का मौका ही नहीं मिलता था। इनफैक्ट यही सेम चीज हम अपने करियर में भी नोटिस करने लगे। अब कैसे सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के गलत होने से इस थियरी पर ही क्वेश्चन मार्क आ गया, वैसे ही आज के तारीख में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे रेज्यूमे के अलावा क्या हमारे स्किल्स देखे जाते हैं? स्किल्स यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसे दिखाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, बस सिर्फ रेज्यूमे को ही सब लोग रियलिटी मानकर चलते हैं। बट नाउ थैंक्स टू नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी ग्रुप, अब हर किसी को अपने कोडिंग स्किल्स को दिखाकर टॉप कंपनीज में इंटरव्यू और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। तो चलो मिलते हैं फरवरी सीजन के विनर बिजीत से। हेलो, तो सबसे पहले हमें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड और लोकेशन के बारे में बताइए। सर, करंटली मैं अभी इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ NIT राउरकेला में। सर, मैं ओडिशा का हूँ। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेक्स्ट लेवल के साथ? सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो टॉपिक्स थे और बहुत ही मतलब फंडामेंटल्स थे, और एक्चुअली में वही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, और बहुत कम्पिटेटिव भी है, क्योंकि वहाँ पे मतलब आप जैसे स्टूडेंट में स्टूडेंट के साथ वर्किंग प्रोफेशनल भी खेल रहे हैं। तो अगर हम बात करें लर्निंग इम्पैक्ट की, तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसको एक अगर गेमिफाइड वर्जन में चेंज कर दिया जाए तो वो सबसे सही रहता है। तो एक तो ये एडिक्टिव है और ये बुरा एडिक्शन नहीं है। अगर आप खेल रहे हो तो आपका फिर कॉन्सेप्ट रसअप हो रहा है, उसके बाद वही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। अच्छा, तो अब जरा हमारे ऑडियंस को बताओ प्राइजेस के बारे में। सर, बहुत खुश है, एक iPad की जरूरत था क्योंकि मैं अभी
नोट बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। सो और कोई टिप्स देना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स को? आप अगर लर्निंग सही करोगे आप जीत जाओगे, और ज्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि फंडामेंटल ज्यादा पूछे जाते हैं। वेल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो देखो गाइस, नेक्स्ट लेवल एक गेमिफाइड कोडिंग कंपटीशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने एक्सपर्टीज और स्किल्स को शोकेस करके प्रोफेशनल रेटिंग कमा सकते हो और उन रेटिंग से अनलॉक कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज टॉप कंपनीज में। नेक्स्ट लेवल की नई लीग 11th मार्च से शुरू हो रही है। लीडर बोर्ड में टॉप आने पर मैकबुक आईपैड जैसे अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो। सो आज ही रजिस्टर कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके। क्लासिकल फिजिक्स आखिर बल्ब के बारे में ऐसा क्या जानता था? सो बात ये थी ना कि उन दिनों क्लासिकल फिजिक्स ने एक चीज ऑब्जर्व की थी और वो थी ये। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया था कि इंटरेस्टिंगली बल्ब्स अलग-अलग टेंपरेचर्स पर अलग-अलग कलर की लाइट एमिट करते हैं, लाइक 1000 केल्विन पर ऑरेंज कलर, 5000 केल्विन पर येलो और 10000 केल्विन पर ब्लू। पर आखिर ऐसा क्यों था? तो वेल, इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर साइंटिस्टों ने ये ग्राफ बनाया और फिर उसे समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स के सभी थियोरीज ने मिलकर हम सबके सामने एक एक्सप्लेनेशन रखा। जवाब था रेली जीन्स लॉ। अब इस लॉ का अपना एक अलग सा इक्वेशन था। इस इक्वेशन में बेसिकली जैसे ही हम टेंपरेचर की कोई वैल्यू डालते वो ग्राफ का पीक किस वेवलेंथ रेंज में बनेगा इसका एकदम सटीक जवाब प्रेडिक्ट कर लेता था, अनलेस ऑफ कोर्स हमने उसमें वो वैल्यू नहीं डाली जिसने उसके ग्राफ को ऑफ कोर्स भेज दिया। दरअसल ये लॉ लोअर वेवलेंथ्स पर साइंटिस्टों ने बनाए ग्राफ को एकदम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता था, लेकिन फिर अचानक से हायर टेंपरेचर लाइक 5000 केल्विन के लिए ये कुछ ऐसी लाइंस बनाने लगा जिसे ऊपर एक्सटेंड करने पर वो प्रेडिक्टेड यूवी रेंज में तो जाती बट देन वहां से वापस नीचे लौटने के बजाय वो एकदम सीधी होकर इन्फिनिटली ऊपर ही बढ़ जाती। यानी सिंपली पुट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 5000 केल्विन या उससे ज्यादा है वो इनफिनिट अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। अब इसका मतलब समझ रहे हो? क्लासिकल फिजिक्स के लॉजिक के हिसाब से 5000 केल्विन पर जाने वाले सूरज को बेसिकली इनफिनिट अमाउंट ऑफ यूवी रेस एमिट करना चाहिए, जबकि सभी को पता है सूरज कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है जो कि एक पॉइंट इन टाइम में खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट, क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर सीधा क्लासिकल फिजिक्स के उस्ताद मैक्स प्लैंक को मैदान में उतरना पड़ा, जिन्होंने इस गुत्थी को बस एक छोटे से अजम्पशन के बेसिस पर सुलझा दिया। उन्होंने बेसिकली बस ये अज्यूम किया कि एनर्जी किसी मूवी की तरह कंटिन्यूअसली नहीं बहती बल्कि मल्टीपल इंडिविजुअल फ्रेम्स की तरह प्रति सेकंड डिस्क्रीट क्वांटा या सिंपली कहे तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बहती है, और इन क्वांटा का इंडिविजुअल साइज 6.6×10⁻³⁴ जूल से ज्यादा नहीं होता। इस चीज को उन्होंने नाम दिया प्लैंक कांस्टेंट। और अब जानते हो प्लैंक कांस्टेंट को अज्यूम करने से क्या हुआ? जब मैक्स प्लैंक ने इस कांस्टेंट की वैल्यू रेली जीन्स लॉ में डाली तब सडनली क्लासिकल फिजिक्स का एक्सपेक्टेड ग्राफ ऑब्जर्व्ड ग्राफ से मैच होने लगा, और इसी के साथ सीपी फिर एक बार साइंस के इस ब्यूटी पेजेंट में टॉप की पोजीशन पर जाकर बैठ गया। बट देन अभी आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। वो कहावत है ना, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, बस वैसा ही हुआ क्लासिकल फिजिक्स के साथ भी। उसने फिर एक बार एक ऐसा इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इस बार उस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप ही लग गया। दरअसल क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब अपने एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तब अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करके तेजी से प्रोटॉन के अंदर घुस जाना चाहिए और एटम तबाह हो जाना चाहिए, राइट? पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता, और अगर होता तो एटम से बनी ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी के साथ ही जैसे ही क्वांटा और प्लैंक कांस्टेंट के रिलेशन की बात सभी साइंटिस्टों के सामने आई, उनमें से कुछ साइंटिस्ट इस रिलेशन से ज्यादा प्लैंक कांस्टेंट के इस नंबर से इंप्रेस हुए। उनका ये कहना था कि यार आज तक हम हर फिनोमेनन का एक्सप्लेनेशन मैक्रो स्केल पर ढूंढते रहे लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि इन सभी चीजों का ज्यादा एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मौजूद है। और बस फिर क्या था, इसी के साथ उन्होंने एटम्स और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और इससे फिजिक्स के एक नए ब्रांच की ही शुरुआत हो गई, द क्वांटम मैकेनिक्स। इस थ्योरी का बेस ही ये था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी कंटीन्यूअस के बजाय डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही घूमते हैं। और फिर क्या था, एंड दिस इज व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट, सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, डी ब्रॉली इसमें एक ही झटके में कूद पड़े और बना दिया इसे 20th सेंचुरी की सबसे ब्यूटीफुल थियरी। अब क्वांटम मैकेनिक्स पूरे सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर मल्टीपल यूनिवर्स की बात कर रहा था लेकिन इसने भी दो ऐसे एक्सप्लेनेशंस दे दिए जिससे इसने खुद का मजाक बना दिया। क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना था कि फ्यूचर इवेंट्स पास्ट इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, मतलब मैं किसी को टेक्स्ट करूं उसके पहले ही मुझे रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन यू गाइस टेल, इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने आखिर ऐसा क्यों बोला? देखो, हमें पता है क्वांटम एंटेंगलमेंट में अगर एक सोर्स से जनरेट हुए पार्टिकल स्पेस में कितनी भी दूर हो वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। मतलब अगर हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल ए
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पार्टिकल बी, अगर क्वांटम एंटैंगल्ड है पार्टिकल ए के साथ तो उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा। और तो और, इस सिद्धांत के हिसाब से बी को ए की स्पिन के बारे में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गति से पता चल जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होगा। पर इस पर साइंटिस्टों ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये थियरी नॉन रिलेटिविस्टिक है, क्योंकि आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जो कि वो टाइम पे बहुत ही पॉपुलर थी और किसी ने उसे डिस्प्रूव नहीं किया था, तो इस थियरी का उल्लंघन हो जाएगा जो ये कहती है कि लाइट के स्पीड से ज्यादा फास्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांतों को अंदर इम्बाइब करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स लेकर आया रेट्रोकॉजालिटी। उन्होंने कहा जैसे ही हम पार्टिकल ए को ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही पार्टिकल बी पास्ट में जाकर, जहां पर पार्टिकल ए और बी क्वांटम एंटैंगल होने वाले थे, उस टाइम पर पार्टिकल ए को कौन सी स्पिन लेनी है और खुद को कौन सी लेनी है ये बता देता है। यानी अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फ्यूचर गौरव आके मुझे बता देता कि भाई तुझे सीए नहीं, तुझे यूट्यूबर बनना है। जस्ट किडिंग। खैर, नाउ द सेकंड थिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो था एटॉमिक डीकेस। एग्जांपल के लिए बीटा डीके की ही बात करते हैं। इसमें एटम का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है और साथ ही में लाइट स्पीड से मूव होते इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करता है। लेकिन अगेन यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट छोड़ो, ये पूरा प्रोसेस ही लाइट स्पीड से होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनोस की मूवमेंट के पहले उनका बनना भी शामिल है। यानी टेक्निकली जो पूरा प्रोसेस है वो लाइट के स्पीड से भी तेज होता है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। अब इस वजह से हुआ ये कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक वॉइड बन गया एंड फाइनली इस वॉइड को भरने आई द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी ऑफ द एरा, क्वांटम फील्ड थियरी। इस थियरी ने यह बोला कि स्टैंडर्ड मॉडल जो कि यह है कि हर एक पार्टिकल की अपनी एक इंडिविजुअल फील्ड होती है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और ये सारी फील्ड्स एक के ऊपर एक यूं इस तरह स्टैक्ड है। जरा इमेजिन करने की ट्राई करते हैं इस फील्ड में एक हाइड्रोजन का एटम कैसा दिखता होगा। देखो, हाइड्रोजन का प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से। तो क्वांटम फील्ड थियरी में अप क्वार्क की फील्ड में 2 पीक्स होंगे और डाउन क्वार्क की फील्ड में 1 पीक होगी और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के फील्ड में भी एक पीक होगा जो प्रोटॉन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द हाइड्रोजन एटम, एज पर क्वांटम फील्ड थियरी ऐसा दिखेगा हमारा हाइड्रोजन एटम। अब इस थियरी ने बीटा डीके को कैसे एक्सप्लेन किया। इसने बताया कि बीटा डीके में एनर्जी तुरंत डाउन क्वार्क की फील्ड से अप क्वार्क की फील्ड में ट्रांसफर हो जाती है और फिर यही एनर्जी डब्लू बोसॉन फील्ड में जो कि एक फोर्स फील्ड है उसमें से ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के फील्ड में चली जाती है और बस यही है एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा डीके। तो अब समझे क्यों क्वांटम फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के किसी भी कोने का इलेक्ट्रॉन इस एप्पल या मेरी या आपके बॉडी में बिल्कुल सेम है एंड दैट इज बिकॉज वो सारे के सारे एक ही फील्ड से जन्मे हैं एंड दैट्स व्हाई इस थियरी को मिला द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी अप टिल नाउ का अवार्ड। वेल फ्रेंड्स, अब आप में भी ये सोच रहे होंगे कि इसने क्वांटम एंटैंगलमेंट को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, तो वेल इस पर अभी भी रिसर्चेस चालू है, पर एटलीस्ट इस थियरी ने रेट्रोकॉजालिटी जैसे एक्सप्लेनेशंस देकर खुद को मुसीबत में तो नहीं डाला। खैर, अगर आपको क्वांटम एंटैंगलमेंट के एप्लीकेशन से गूगल कंपनी ने एक वर्म होल कैसे बनाया इसके बारे में जानना है तो इस लिंक पर क्लिक करना, यहाँ पर वीडियो आ गया होगा, उसे देखना, आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।